तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को इस वक्त संन्यास देना चाहिए। बहुत सारे युवा चेहरे आगे हैं मार्केट के अंदर, उनको बहन जी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, किन लोगों को संन्यास देना चाहिए और किन लोगों को सत्ता तक पहुंचना चाहिए, इसका आप स्पष्टीकरण करें अनिल जी। मनवर, संन्यास तो मोदी जी को लेना चाहिए, आरएसएस को, कांग्रेस के लोगों को लेना चाहिए। शंकर दयाल शर्मा ने 87 साल तक संन्यास नहीं लिया था और राष्ट्रपति होते हुए 4-5 दफा गिरे थे मंच से, तो इसलिए कहां संन्यास का बात। बहुत सही, बहुत सही फीडबैक दिया है मानवर ने, बहुत सही फीडबैक दिया है। जब ये इनके जब मनुवादी प्रधानमंत्री बने, इनके राष्ट्रपति बने, वो 80-80 साल तक मनमोहन सिंह जी से लेकर ये सब बने, तब तो कोई बात नहीं। अभी बहन जी जो एनर्जेटिक हैं, जब वो बहुजन आंदोलन की सर्वश्रेष्ठ नेत्री हैं इस समय, आज की करंट, तो उनको संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल समस्या क्या है, इन लोगों की समस्या हम पहचाने, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अभी जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय क्यों दिया, अगर उसको ध्यान से एनालाइज करें तो तीन चीजें आती हैं, एक तो तीन शब्द आते हैं, वर्गीकरण, कोठे में कोटा और क्रीमी लेयर। आखिर इन्होंने वर्गीकरण क्यों किया और कोटे में कोटा क्यों किया और क्रीमी लेयर क्यों लगाई, ये क्यों किया? ये वर्गीकरण इसलिए किया, तोड़ने के लिए किया, वर्गीकरण तोड़ने के लिए किया, और तोड़ने से दुख पैदा होता है, जोड़ने से सुख होता है। जब हम व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो खुशियां होती हैं, और लोग जुड़ते हैं समृद्धि होती है, विश्वास होता है, भाईचारा होता है जोड़ने में। तो माननीय काशीराम साहब ने जब SC ST OBC समाज को, कौन से समाज को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो SC ST OBC के तीन ब्लॉक बनाए थे, जो तीन ब्लॉक बाबा साहब अंबेडकर ने बनाए थे, SC ST OBC जो संविधान में ब्लॉक बनाए थे, आर्टिकल 341, 342, 343, और ये जो तीन ब्लॉक बनाए, उन तीन ब्लॉक को 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना करके भी जब बाबा साहब राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, RPI बनाकर नहीं हुए, तो माननीय काशीराम साहब ने वहां से क्लू लिया, उन्होंने इन तीन ब्लॉक को जोड़ करके बहुजन बनाया। बहुजन, हम समझे सर वर्गीकरण क्यों, और हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण का क्यों करने लगा। दरअसल बात यह है, ये माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजनों को इकट्ठा करके, बहुजन SC ST OBC को, जो बाबा साहब ने तीन ब्लॉक बनाए थे 6743 जातियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी, माननीय काशीराम साहब ने बहुजन बना करके बढ़ा दिया। उस प्रक्रिया को जो बहुजन बना करके जब 1980 ऑनवर्ड्स चला बहुजन, तभी ये मंडल कमीशन लागू हुआ, और जब उससे जुड़ने लगे बहुजन तो फिर तोड़ने के लिए मंदिर तोड़ा और बहुत सारे षड्यंत्र, 5 तरह के षड्यंत्र किए कांग्रेस ने। पहला षड्यंत्र किया जिसको बोलते हैं रिलीजियस फ्रॉड। रिलीजियस फ्रॉड क्या किया, सिखों पे अटैक किया, स्वर्ण मंदिर पे अटैक किया, धार्मिक भावनाएं भड़काई और बहुत सारा खून बहाया। रिलीजियस फ्रॉड बाय कांग्रेस, बाय कैसे, एक तरफ ये मंदिर में रामलीला को रखते हैं, एक तरफ ये ताले राम मंदिर के खुलवाते हैं, और दूसरी तरफ ये स्वर्ण मंदिर पे गोलियां चलवाते हैं, आर्मी लगाते हैं, और किस तरह से भावनाएं भड़काते हैं। दिस इज अ रिलीजियस फ्रॉड ऑफ कांग्रेस, इनिशिएटेड बाय कांग्रेस, और बाद में उसी 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 रिलीजियस फ्रॉड को बीजेपी मंदिर आंदोलन बना करके 30 साल से वही आंदोलन चलाती रही है और भारत के लोगों को भड़काती रही है, भावनाओं में तोड़ती रही है संविधान के विरोध। पहला रिलीजियस फ्रॉड। दूसरा पॉलिटिकल फ्रॉड, कांग्रेस ने पॉलिटिकल राजनीतिक फ्रॉड किया। राजनीतिक फ्रॉड जो 1980 में जब 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 माननीय काशीराम साहब ने
बहुजन आंदोलन को मैच्योर करने की शुरुआत की और बीएसपी पार्टी 1984 बन गई, तो उसके बाद ही नरसिम्हा राव नाम के कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर ने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नाम का फ्रॉड किया, पॉलिटिकल फ्रॉड किया, जिससे लिबरलाइजेशन के नाम पे ये बेचना शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन के नाम, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आरक्षण को ध्वस्त करना शुरू किया। ऐसा दूसरा पॉलिटिकल फ्रॉड। तीसरा सोशल फ्रॉड। कांग्रेस ने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को बहुत सारी नहीं लुका, पाम से को तोड़ करके सामाजिक संस्थाओं के साथ फ्रॉड किया और बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं सामाजिक संस्थाओं का, और वो संस्थाएं कांग्रेस के लिए काम करने लगी और तरह तरह के आरक्षण बताओ आंदोलन, ये बचाओ आंदोलन, उसमें हिस्सा लेकर के और बहुजनों को भ्रमित करने लगी। उसके बाद चौथा टेक्निकल फ्रॉड, टेक्निकल तकनीकी फ्रॉड किया इन्होंने ईवीएम ला करके। जब देखा कि किसी तरह से बहुजन रुक नहीं रहे, ये तो जातियों की जेलों में कैद लोग आजाद होकर के बहुजन बन करके अपनी सत्ता यूपी बिहार और जगह लाने लगे, तो फिर कांग्रेस ने एक टेक्निकल फ्रॉड किया जिसको ईवीएम के नाम से जाना जाता है, और आजकल ईवीएम हटाओ आंदोलन चला रही है, वही लोग हैं ये लोग। पांचवा फ्रॉड इन्होंने प्रेस और मीडिया के साथ किया, लीग और उसके बाद लीगल फ्रॉड किया। लीगल फ्रॉड जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा इन्होंने कॉलेजियन सिस्टम बना करके पूरे न्याय व्यवस्था को ध्वस्त किया। तो पांच फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड, लीगल फ्रॉड, टेक्निकल फ्रॉड, रिलीजियस फ्रॉड एंड सोशल फ्रॉड, ये पांच फ्रॉड कांग्रेस ने किए। आखिर अपराधी कौन है या आरक्षण किसने लागू नहीं किया? ये सुप्रीम कोर्ट के जज आज कहते हैं कि नहीं इसको मिल जाता उसको ले लिया, ये जाटव लोगे वाल्मीकि को नहीं मिला, और कांग्रेस ने इस पॉलिटिकल फ्रॉड में, और ये वर्गीकरण किसने शुरुआत की? शुरुआत तो 1975 में कांग्रेस ने पंजाब से शुरू की, जहां एबी में बांटा, फिर हरियाणा में इसको ले आए, उसके बाद आंध्र प्रदेश में एबीसी ले आए, उसके बाद तमिलनाडु में एबीसीडी लेकर के चार इस तरह से ब्लॉक्स में तोड़ने की कोशिश की, और इस पॉलिटिकल फ्रॉड को, इस पॉलिटिकल फ्रॉड को, वर्गीकरण को फिर उन्होंने 2024 में, अब जब जनता ने आवाज उठाई कि जाति जनगणना करो, तो पता चला फिर ये जाकर के वर्गीकरण का टेक्निकल फ्रॉड, लीगल फ्रॉड किया कांग्रेस। आफ्टर ऑल ये लीगल फ्रॉड क्यों किया, मैं ये बताना चाहता हूं, ये वर्गीकरण का फ्रॉड इसलिए किया कि बहुजन आंदोलन को जो बाबा साहब ने 3 ब्लॉक में 6743 जातियों को जोड़ा था, एससी एसटी ओबीसी को और मान्यवर काशीराम साहब ने जोड़ा था बहुजन बना करके, उसको तोड़ने का फ्रॉड किया, वर्गीकरण इसलिए किया। दूसरा कोटे में कोटा क्यों, कोटे में कोटा इसलिए किया कि जब बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारे की भावना पैदा की, संविधान में सब लोगों को बराबरी की हिस्से देने की बात की, जब बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 1,08,700 लोगों को वाल्मीकियों को नौकरी दे दी डायरेक्ट, तो उनको लगा ये तो जाटो वाल्मीकि में लेने लगे, बहुत सारे जय भीम करने लगे, वाल्मीकि भी जय भीम करने लगे, क्या हुआ? ये कांग्रेस तो शुरू से ही स्वामी अछूतानंद द्वारा पंजाब में चलाया गया आंदोलन, स्वामी अछूतानंद द्वारा आदि धर्मीय आंदोलन को कांग्रेस ने तोड़ दिया, और 1935 जो में के बाद जो इलेक्शन हुए तो वहां 11 एमपी लोग चुन के आए थे पार्लियामेंट में, उस समय तभी कांग्रेस घबरा गई थी, तब से कांग्रेस ने पंजाब में पहले तोड़ा, फिर हरियाणा में, पूरे देश भर में तोड़ रही है। सवाल वो नहीं है, सवाल कुछ और है, ये कोटे में कोटा क्यों, ये कोटे में कोटा इसलिए किया है कि ये नॉट फाउंड सुटेबल नाम का एक फंदा लगा रहे हैं, ये नॉट फाउंड सुटेबल लेकर के जब वाल्मीकि नहीं मिले तो वाल्मीकि की पोस्ट जनरल दे देंगे, इस जाटो नहीं मिले, ये यादव नहीं मिले, तेली नहीं मिले, जो भी नहीं मिले, इनको नॉट फाउंड सुटेबल करने का फार्मूला लगाना है, इन्होंने देना कुछ नहीं है। और फिर अपराधी कौन है, ये अपराधी 70 साल से आरक्षण लागू कौन कर रहा है, किसने नहीं लागू किया, इन जजों ने नहीं लागू किया, नहीं कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें केंद्र में और राज्यों में रही हैं, इन्होंने ही 70 साल तक आरक्षण पूरा नहीं किया, तो यही जिम्मेदार हैं, ये इस तरह का इसको नहीं मिला उसको मिला, कौन आफ्टर ऑल सरकारें किसकी बनी, फिर और उसके बाद में ये क्रीमी लेयर कौन, अब इन्होंने जातियों में भी अजीब कि जनरल के लिए जो लोअर लिमिट है EBM, EBS, जो इनका इकोनॉमिकली EWS के लिए कोटा है उसमें तो 7 लाख लिमिट है, और 7 लाख लिमिट है, और जनरल की लिमिट है 7 लाख, और SC ST की 3 लाख, ये क्या है भाई, इसमें देखिए ये इकोनॉमिक
जो जहां पर गरीबी डिक्लेयर करने में भी लेयर बनाते हैं, ये गैर बराबरी की भावना से पीड़ित लोग, ये दरअसल ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो तीन काम किए, वर्गीकरण, कोटे में कोटा और क्रिमिनल लेयर लड़ाने के लिए इन्होंने ऐसे षड्यंत्र किए। और ये षड्यंत्र अब ये इन्होंने कैसे ये लागू कैसे किया? अभी एक और प्रश्न उठ रहा था, ये लेटर एंट्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, और सबसे पहले थे मनमोहन सिंह, आरबीआई के गवर्नर बने, वो आईएएस नहीं थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो सेक्रेटरी फाइनेंस पहले कांग्रेस ने बनाए, ये आईएएस नहीं थे। तो कांग्रेस ने ही लेटरल एंट्री की शुरुआत की। मैं बकिन साहब जो भूदेव सिंह ने बहुत बढ़िया बात की कि कांग्रेस ने ये शुरुआत की थी, लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस ही षड्यंत्र बनाती है, कांग्रेस ही समस्या खड़ी करती है। बहुजन आंदोलन की शुरुआत बहुजन आंदोलन को धोखा देने के लिए कभी सिखों पर हमला कराती है, कभी मुस्लिमों पर हमला कराती है, कभी क्रिश्चियनों पर हमला कराती है, कभी किसानों पर हमला कराती है उनकी जमीन छीनने के लिए, कभी बुद्धिस्टों पर हमला कराती है, कभी नारियों के मान सम्मान को छीनती है। ये सब पूरी समस्या की जड़ में कांग्रेस है, और कांग्रेस ही पूरे भारत की सारी समस्याओं की जड़ है, जिसको कि बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा किताब लिख करके और मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा योग लिख करके एक्सपोज किया। मान्यवर, सवाल आज के बहुजनों को क्या करना है? आज के बहुजनों को अपने नेतृत्व में, जब 21 अगस्त को जब बहन मायावती जी ने कॉल की भारत बंद, सारे बहुजन घबराए। अरे अभी तक तो कहते हैं मायावती जी कमजोर हो गई हैं, ये हो गई हैं, वो हो गई, सड़क पे नहीं आती। अरे बहन जी ने एक ट्वीट किया भारत बंद, ये पूरा भारत हो गया बंद, और बहुजन के आंदोलन में इतनी बड़ी जान आ गई। तो कहने लगे कि मायावती जी को अब बोले लेना चाहिए। ये मनुवादी जो प्रेस मीडिया ने, ये यूट्यूबर्स ने, ये गांधी यूट्यूबर्स ने चलाया कि अब तो मायावती जी को संन्यास ले लेना चाहिए। मान्यवर, ये पूरा षड्यंत्र है, मनुवादी मीडिया की चाल है, और इस चाल में बहुजनों को नहीं फंसना है, और अपनी सरकार बना करके अपने वोट का अधिकार लेकर के बिल्कुल चालों में नहीं आना है। साथियों, मैंने एक मीडिया पे भेजा था कि कांग्रेस ने एक ऐसा छुपे हुए षड्यंत्र, कैसे उन्होंने एक हाथ उठाया ऐसे करके और जय भीम करके एक प्रचार किया, जय भीम जय भारत। और एक्चुअली में क्या है, जय भीम जय भारत नहीं है, वो एक्चुअली कांग्रेस का हाथ है, उसको प्रचार कर रहे हैं लोग। हमें समझना चाहिए ये धोखे के प्रचार को, हमें समझना चाहिए। मानवर, यस सर, जय भीम। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने विश्लेषण को करा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।